आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिवेंद्र सिंह पर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप है। रेलिगियर फिनवेस्ट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शिवेंद्र सिंह पर 740 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार पुलिस ने शिवेंद्र सिंह के अलावा मामले से जुड़े तीन अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस कथित तौर पर शिवेंद्र सिंह के बड़े भाई मालविंदर सिंह की भी तलाश कर रही है, जिसका नाम भी इस मामले में जोड़ा जा रहा है। बता दें कि बीते अगस्त में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने धन शोधन रोधी कानून से जुड़े एक मामले में रैनबैक्सी समूह के पूर्व प्रवर्तकों मालविंदर मोहन सिंह और शिवेंद्र मोहन सिंह के परिसरों पर छापेमारी की थी। अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि PMLA के तहत मामला दर्ज होने के बाद ये छापे मारे गए थे। एजेंसी की इस कार्रवाई को सिंह बंधुओं के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों और उसके बाद उनके कारोबार के पतन से जोड़कर देखा जा रहा है। हो सकता है कि ये इतना बड़ा घोटाला रैनबैक्सी के लिए एक काला साया बनकर आए। तो फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट को जानने के लिए लगातार बने रहिएगा फर्स्ट बाइट के साथ। नमस्कार।